नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश की प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी यूएनआई के अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत सेव यूएनआई मूवमेंट की कोर कमेटी की संपन्न बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लेने के साथ ही आगे की रणनीति बनाने का जिम्मा संस्थान के मुख्य समन्वयक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर समरेंद्र पाठक को सौंप दिया गया है। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कोर कमेटी के सदस्यों प्रोफेसर अमरेंद्र झा, फजील अहमद, अरविंद दास, कुमार सम्मत एवं कांता रानी, संस्था के मुख्य संरक्षक एवं माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और संरक्षक मंडल में शामिल अन्य माननीय सांसदों एवं विशिष्ट व्यक्तियों को देंगे और विभिन्न स्तरों पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस बैठक में कोर कमेटी में शामिल 42 पत्रकारों, साहित्यकारों, लेखकों, मीडिया कर्मियों, सामाजिक एवं राजनीतिक से जुड़े प्रमुख हस्तियों में से 38 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता युवा पत्रकार रंजीत सिंह ने की। हमारे संवाददाता कौशल मिश्र ने बताया कि भोजपुर जिला के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी चौक के समीप एक चार पहिया वाहन ने 28 वर्षीय युवक को कुचल डाला, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र राय गांव कुतुकपुर चकिया थाना डोलीगंज का निवासी है, जो फिलहाल 8 साल से जमीरा आरा में रहता था। हमारे संवाददाता एन के पांडे की खबर के मुताबिक बेतिया के बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य शाखा द्वारा वृद्ध एवं असहाय लोगों के बीच मुख्य प्रबंधक पंकज कुमार ठाकुर और गौरव कुमार के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक उमेश कुमार ने बताया कि बैंक के स्थापना दिवस पर असहाय लोगों को बैंक द्वारा सहयोग किया जा रहा है, जो समाज से उपेक्षित लोग हैं। इस मौके पर बीके झा, राजेश कुमार, सुशील कुमार आदि लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। पीएम मोदी के लिए चीड़ के पेड़ के रेशे से जैकेट बनाई जाएगी। इस जैकेट को केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा खुद पीएम मोदी को तोहफे में देंगे। इस जैकेट का नाम नमो वस्त्र दिया गया है। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। चारा घोटाले का ये तीसरा मामला था। इससे पहले 2 अन्य मामलों में भी लालू को सजा हो चुकी है। लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज से आसियान देशों के नेताओं के साथ एक के बाद एक 9 बैठकें करेंगे। वहीं भारत आसियान स्मारक सम्मेलन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर 25 जनवरी को नई दिल्ली में आसियान के सभी 10 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रित किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम के जरिए भारत दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा। बांग्लादेश ने चीन द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। ये सड़क निर्माण प्रोजेक्ट चीन की एक बड़ी कंपनी द्वारा किया जा रहा था। बांग्लादेश सरकार ने चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, क्योंकि उसने सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है सिने आजकल india@gmail.com। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के खिलाफ 2 समुदायों के बीच धार्मिक आधार पर द्वेष बढ़ाने का मामला दर्ज किया गया है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी सभा के दौरान कहा कि ये राम और अल्लाह के बीच का चुनाव है। आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास ने खुद को अपनी पार्टी का लाल कृष्ण आडवाणी करार दिया है। कुमार ने यूपी के इटावा में एक स्कूल द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव को भी सपा का आडवाणी करार दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के साथ साथ लखनऊ महोत्सव का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। अवध शिल्पग्राम में 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में राज्यपाल राम नाईक ने भी शिरकत की। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के निष्कासन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले पर स्टे से इनकार किया। हालांकि सोमवार तक के लिए चुनाव आयोग को उपचुनाव का ऐलान करने से मना किया गया है। सुनवाई के दौरान विधायकों की तरफ से कहा गया कि उनके साथ जो कुछ हुआ वे अन्याय है।
AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी पर मुंबई में एक शख्स ने जूतों से हमला कर दिया। इस दौरान ओवैसी अपनी पार्टी की एक रैली में ट्रिपल तलाक पर बोल रहे थे। हालांकि ये जूता ओवैसी को नहीं लगा। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक हाफिज के खिलाफ पाक सरकार द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाफिज ने अपने ऊपर कार्रवाई के डर से हाईकोर्ट की शरण ली थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण को लेकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, डियर पीएम, स्विट्जरलैंड में स्वागत है। कृपया दावोस को बताएं कि भारत की 1% आबादी के पास 73% संपत्ति क्यों है। इसके साथ ही उन्होंने दावोस की एक गैर सरकारी संस्था ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी नए सर्वे की जानकारी को भी पोस्ट किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर आतंकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। ड्रोन हमले में हक्कानी नेटवर्क के टॉप कमांडर एहसान खावेरी समेत 3 आतंकी मारे गए हैं। खबरों की माने तो अमेरिकी ड्रोन से 2 मिसाइलें दागी गई। ये हमला हंगू जिले के पास किया गया। अमेरिकी ड्रोन ने उत्तरी वजीरिस्तान में स्पेन थाल के पास अफगान शरणार्थियों के एक घर को निशाना बनाया जहाँ पर ये आतंकी ठहरे हुए थे। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के विरोध में गुजरात के अहमदाबाद में आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। यहां करनी सेना के सदस्यों ने एक मॉल में ही आग लगा दी। आगजनी करने वालों की भीड़ में करीब 2000 लोग तक शामिल थे। काबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को 2 राउंड फायरिंग तक करनी पड़ी। आग की चपेट में मॉल और आसपास की दुकानें भी आ गई। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।